नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ICA टेक में। आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते VR बॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मैंने Flipkart से ऑर्डर किया है। और अमेजिंग बात यह है कि उस VR बॉक्स के साथ एक रिमोट भी आया है जिससे आप ब्लूटूथ के जरिए अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि हमें कोई ऐसे VR बॉक्स के बारे में बताइए जो कि 400 से नीचे हो, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर आपके लिए एक VR बॉक्स लाया हूँ जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊंगा कि कैसे VR बॉक्स आपने यूज करना है और इस VR बॉक्स की क्या स्पेसिफिकेशन है और आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं वीडियो में ब्लूटूथ रिमोट कैसे इस्तेमाल करें वो भी आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये था वो बॉक्स जो कि Flipkart की तरफ से आया था। मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया है तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। एक आपका VR बॉक्स मिलेगा और एक आपको इसका रिमोट कंट्रोल मिलेगा जो कि ब्लूटूथ से आपके डिवाइस को कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले हम VR बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले ये निकला आपका VR बॉक्स, देखिए आपके सामने है ये VR बॉक्स। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बेशक इसकी थोड़ी सी लो क्वालिटी है बट इसके प्राइस के हिसाब से ठीक है जो कि है 400 रुपये। 400 रुपये में आपको एक VR बॉक्स मिलेगा और एक आपको रिमोट कंट्रोल मिलेगा जिससे आप अपने फ़ोन को VR बॉक्स में लगे हुए भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो VR बॉक्स की जो क्वालिटी है जो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छी है बट ठीक है 400 रुपये के हिसाब से। इसके साथ देखते हैं और क्या है। इसके साथ आया है एक पेपर वर्क जो इसमें बताया गया है कि कैसे इसमें किसको क्लीन करना है और वो भी सारी इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई हैं। तो VR बॉक्स की क्वालिटी है आप देख सकते हैं, इसकी प्लास्टिक है और बैंड भी इसका ठीक है, इसका लेंस भी ठीक ही नज़र आ रहे हैं। तो इसको ज़रा अब साइड में रखते हैं, अब ज़रा रिमोट को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। रिमोट कंट्रोल के अंदर एक रिमोट आया है जिसको आप देख सकते हैं, ये ब्लूटूथ के ज़रिए चलेगा आपका। इस रिमोट में जो जलती हैं बैटरीज वो हैं AAA बैटरीज जो कि बहुत ही छोटी साइज़ की आती हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसी रिमोट को चला के दिखाते हैं कि इस रिमोट को कनेक्ट कैसे करना है अपने डिवाइस के साथ। तो सबसे पहले आपको इसमें बैटरीज इंसर्ट करनी पड़ेंगी, देखिए आपकी ऐसी बैटरीज आपको मिलेंगी जो कि आपको इसमें इंसर्ट करनी है। जैसे आप इसमें इंसर्ट करोगे कोई ब्लू लाइट जलती हुई नज़र आ जाएगी। तो अब आपको इसको कनेक्ट करना है अपने मोबाइल के साथ। सबसे पहले इसको आपको ब्लूटूथ ऑन करना है, तो आप देख ही सकते होंगे कि जैसे कि यहाँ पर VR बॉक्स का ऑप्शन आ गया है। तो VR बॉक्स से आप जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्टिंग हो रहा है अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि VR बॉक्स के साथ कनेक्ट हो चुका है, अब आप VR बॉक्स की मदद से इसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो रिमोट की जो कंट्रोलिंग है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप VR बॉक्स आपको चला के दिखाते हैं कि VR बॉक्स कैसे चलेगा। VR बॉक्स के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जैसे कि VR होता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें एक सिंपल सी आपको VR वीडियो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको कोई भी VR एप्लीकेशन आपको इसमें चाहिए, जैसे कि आप VR बॉक्स में उसको इंसर्ट करके आप उसको एक थिएटर का आनंद ले सकते हैं। तो VR बॉक्स में जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, आपको दो लेंस हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर एक ट्रे है जो कि एक स्वाइप अप करने से बाहर आ जाएगी। इसमें आपको अपना मोबाइल इंसर्ट करना है VR मोड में प्ले कर, जिससे कि आपको पूरा सिनेमा वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ही वीडियो VR की प्ले करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले इसके लिए एक प्लेयर चाहिए अपनी वीडियोस को कन्वर्ट करने के लिए भी। तो जैसे कि एप्लीकेशन है, इसमें आप ईयरफोन्स भी लगा सकते हैं। ईयरफोन्स के लिए जो स्पेस है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, आप ईयरफोन्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं VR बोर्ड में हो गया है, तो अब हम इसको इंसर्ट करेंगे प्रॉपर VR में। तो VR को इंसर्ट करने के लिए
सबसे पहले तो आपको वीआर की जो ट्रे है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि अब ये फ़ोन है आपको ऐसे लगाना है, ये इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें इसको लगा दिया है, तो आपको इसमें ऐसे ही इंसर्ट करना है जैसे आपने इसको निकाला था। तो आप इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर पूरी थिएटर वाली फीलिंग नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एडजस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे आपको इसको कहीं भी अपने आइस के हिसाब से जहाँ भी आप एडजस्ट करना है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। तो इसमें पूरी थिएटर वाली फीलिंग आ रही है, आप पूरी थिएटर वाली फीलिंग घर बैठे ही ले सकते हैं। इसकी जो लेंस की क्वालिटी है वो ठीक है, बट मैं नहीं कहूँगा अच्छी है, बट ठीक है, अच्छा विज़न आ रहा है। अगर आपको अच्छा वीआर लेना है तो वो तो 2-3 हज़ार का आएगा। अगर आपको अपने बजट में वीआर बॉक्स चाहिए तो ये वीआर बॉक्स आपके लिए सही है। ये मेरे को तो ठीक लगा है इस रेंज के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा ये प्रॉपर ठीक है, बट इस रेंज के लिए यह प्रॉपर ठीक है। तो चलिए अब आपको इसकी रिमोट की फंक्शनिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि ये रिमोट कैसे काम करेगा। तो बात करते हैं इस रिमोट की, कि इस रिमोट को यूज़ कैसे करना है अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये जो दो कीज़ हैं इसके पीछे वाले, ये पहले वाला जो की है ये बैक के लिए है, बैक करने के लिए, और ये दूसरे वाला की है ये ओके के लिए है। अगर किसी को आपके ओके करना है तो आपको ये दूसरे वाला की प्रेस करना पड़ेगा। ये आपको एनालॉग, जैसे कि आपको कर्सर वगैरह मूव करना है या फिर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप इससे एनालॉग से मूव कर सकते हैं। इन कीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इन कीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ऑन करने के लिए इसको आपको पावर वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये ब्लू वाली लाइट जल गई है, मतलब ये ऑन हो गया है। तो अब जैसे कि मैंने पहले इसको कनेक्ट किया था, तो जैसे कि ये वीआर बॉक्स के साथ अब कनेक्टेड है। तो मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ कैसे चलाना है। तो सबसे पहले आपको बड़ा ही जानकर आश्चर्य होगा कि आप इसमें एरो भी लगा सकते हैं इस कंट्रोल की मदद से। आप अपने फ़ोन को एरो से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऐट द रेट वाला की और डी वाला की आपको प्रेस करना है, जैसे कि ब्लू लाइट जल गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कर्सर आ गया है, तो आप कर्सर से जैसे भी आप इसको मूव करेंगे वैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ओके करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया था आपको ये वाला बटन आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि ये सारे जो भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे या इसको कर्सर को जहाँ भी मूव करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। और ये वाला की होती है बैक के लिए, तो कोई भी एप्लीकेशन अभी नहीं खुल रखी है तो ऐसे बैक नहीं हो पाएगी। तो इसी कॉम्बिनेशन को मिलाकर और भी हम कीज़ बना सकते हैं। अगर हम ऐट द रेट और बी को प्रेस करेंगे तो जैसे कि ये सिलेक्ट का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि हम आपको प्रेस करके दिखाते हैं, तो जैसे कि ये ब्लू डॉट जल गई है, तो अब ये जैसे कि ये आपको देख रहे होंगे कि इसमें आप मूव कर रहे हैं, तो जैसे कि आप कहीं भी आपने जाना हो तो आप इसमें जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपने कॉल लॉग्स में अगर मैसेज वगैरह में भी जाऊँगा तो भी आप इसमें इस ज़रिए जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको ये वाला की ओके के लिए है, पर इस वाले इंटरफेस में आपको बी से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बी से ही आपकी ये सिलेक्ट होएगा क्योंकि आपने बी वाला ही प्रेस किया है। तो बैक करने के लिए आपको ये सी वाला की प्रेस करना पड़ेगा इसमें बैक करने के लिए। तो कहीं भी आप इसमें जा सकते हैं या आप इसको और फर्दर मूव कर सकते हैं। आपको कहीं भी वीडियो देखनी है, फास्ट फॉरवर्ड करनी है, आप इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। जिस भी आप की का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको उसी से अपने आप ओपन करने पड़ेंगे। और अगर आपको वॉल्यूम अप डाउन करनी है, ऐट द रेट और ए का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इससे वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगी। अगर आपको वीआर में कोई भी आनंद लेना है तो आप इससे वॉल्यूम अप डाउन कर सकेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर आप इससे अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीआर बॉक्स और रिमोट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीआर बॉक्स कैसा लगा। हम ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई भी हमारी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपकी सब्सक्राइब हमें हौसला देगी कि हम और ऐसी वीडियोज़ बनाएँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।